माइनक्राफ्ट के टॉप 3 SMS जो मैं आप लोगों से पता चले और ये वर्क करते भी हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। माइनक्राफ्ट में फ्लावर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कितनी भी एनविल डाले पर वो ब्रेक नहीं होगी। कि सच में ऐसा भी होता है। तो हमने यहाँ पर फ्लावर को प्लेस कर दिया है और जब हम उसके ऊपर एनविल को गिराते हैं तो वो सच में ब्रेक हो जाता है, ये देखो। एंड मिथ इज कन्फर्म्ड। अगर हम एन्चेंटमेंट टेबल को पिकेक्स से तोड़े तो वो बुक ब्लैक हो जाएगी। ये एक्चुअल में वर्क करता है। देखो जो हमारे एन्चेंटमेंट टेबल का बुक होता है वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब उसको ब्रेक करते हैं देन उसको कलेक्ट करके वापस से प्लेस करते हैं तब भी उसका कलर ब्राउन ही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। मतलब मेथ इज बस्टेड। हम विदर को इनविजिबल नहीं कर सकते। इसे ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले विदर स्पॉन करना होगा, देन हम उसके ऊपर इनविजिबिलिटी का पोशन को थ्रो करते हैं तो देखो वो सच में इनविजिबल नहीं होता है। मतलब मेथ इज कन्फर्म्ड। जलवा है हमारा। अगर कोई भी बंदा है उस रेड कलर के बड़े को दबाता है तो वो ग्रे हो जाता है। वेल हम इसे तो ट्राई नहीं कर सकते बट आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। तो आप लोग बताओ क्या सच है? सही बात है। कोल्ड्रिंक में लावा डालो, फिर ज़ॉम्बीफाइड टिगलिन और ब्लेज को अंदर डालो, वो मर जाएंगे। क्या ऐसा भी होता है? चलो इसे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोल्ड्रिंक में लावा को फिल करना है, फिर ज़ॉम्बीफाइड टिगलिन को डालना है जिसमें हमें सिर्फ फायर इफेक्ट देखने को मिलता है, वो मरता नहीं है। और सेम चीज अगर हम लोग ब्लेज के साथ ट्राई करते हैं तो उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये देखो। मतलब मेरे बस्टेड। वार्डन को पाउडर स्नो से डैमेज मिलता है। इसे ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले होल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसमें पाउडर स्नो को डालना पड़ेगा एंड देन हम लोग वार्डन को स्पॉन करते हैं, देखते हैं उसको डैमेज होता भी है। एंड जब हमने वार्डन को स्पॉन किया तो उसे थोड़ी देर बाद ही डैमेज मिलने लग गया था, ये देखो। मतलब मेथ इज कन्फर्म। अगर आप ट्राइडेंट वाले मॉब को न्यूट्रलाइज सेल देंगे तो वो मॉब आपको फुल एचपी वाला ट्राइडेंट देगा। कि ये एक्चुअल में वर्क करता है, इसे ट्राई करना पड़ेगा। ट्राइडेंट वाले मॉब के सामने जब हमने न्यूट्रलाइज सेल को ड्रॉप किया तो उसने सच में अपने ट्राइडेंट को ड्रॉप कर दिया, ये देखो। मतलब मिथ सच में वर्क करता है। सीड जीरो से हम वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर सकते। कैसा एक्चुअल में होता है? चलो इसे ट्राई करते हैं। तो हमने सीड जीरो से वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स एंड सैंड बायोम। और अगर मैं इस वर्ल्ड के सीड को चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सीड जीरो ही दिखाई देता है। मतलब ये मिथ बस्टेड। एक्सेलोटल की अगर हेल्थ कम होती है तो वो मरने की एक्टिंग करता है। कैसा सच में होता है? तो हमने यहाँ पर एक्सेलोटल को स्पॉन कर लिया और जब हम उसे डैमेज देते हैं तो वो सच में मरने की एक्टिंग करता है, ये देखो। वेल ये थोड़ा सा फनी है एंड इट इज कन्फर्म्ड। चेस्ट के ऊपर अगर हम किसी भी ब्लॉक को प्लेस करते हैं तो वो ओपन नहीं होता है, लेकिन अगर हम हनी ब्लॉक को प्लेस करें तब वो ओपन हो जाता है। तो जब हमने चेस्ट के ऊपर प्लैंक्स को प्लेस किया तो हम उसे ओपन नहीं कर पा रहे थे, और सेम चीज जब हमने हनी ब्लॉक के साथ किया तब भी वो ओपन नहीं हो रहा था। मतलब ये मिथ बस्टेड है। एंड वीडियो खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।